सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई कीमतें वापिस लो वापिस लो वापिस लो। पेट्रोल की बड़ी कीमतें वापिस लो वापिस लो वापिस लो। महंगाई नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ। मार्क्सवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ सोमवार को सरकाघाट में प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं पार्टी के सचिव और पूर्व जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाए कि केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारें महंगाई रोकने में पूरी तरह फेल हो चुकी हैं और आम जनता महंगाई से बुरी तरह त्रस्त है। उन्होंने बताया कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी व अन्य विपक्षी दल सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन शुरू कर रहे हैं और 17 मार्च को विधानसभा का शिमला में घेराव करने वाले हैं। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर ये जो केंद्र की सरकार है जिस तरह से महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है उसके खिलाफ आज पूरे देश में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। जैसा कि सबको मालूम है, ये जो मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी इसने 100 दिन में महंगाई करने का जो वादा जनता से किया था, मगर सत्ता में आने के बाद लगातार जो महंगाई है वो इस देश में बढ़ रही है। और आज जो पेट्रोल है और जो डीजल है जिसकी जो कीमतें हैं पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे गरीब देश हैं उनसे भी ज्यादा, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी ज्यादा जो कीमतें हैं वो आज हिंदुस्तान में हो गई है। जबकि उसके पीछे जो कच्चे तेल के जो दाम है, पूरे जो विश्व का जो बाजार है जहां तेल पैदा होता है वहां जो तेल की कीमतें हैं वो घट रही हैं। आज हमारी जो सरकार है या जो कंपनियां हैं वो 30 से 35 रुपए पेट्रोल और डीजल जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसको खरीदती है, मगर बड़े दुख की बात है कि उस पर एक्साइज ड्यूटी और दूसरे जो टैक्स है वो आज 60 से 70 रुपए एक लीटर पे लगाया जा रहा है। और कंपनियों को फायदा देने के लिए मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल को जो वैट है जो अधिकतम 28% लगता है उससे बाहर रखा है, और जानबूझ के अंबानी अडानी की जो तेल कंपनियां हैं उनको मुनाफा देने के लिए ये जो सब कुछ किया जा रहा है। तो जब एक तरफ पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं उसी के चलते जो यातायात है, ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो खाद्य वस्तुएं हैं, दूसरी जो जरूरी चीजें हैं, वो उस वजह से सारा जो महंगाई है वो बढ़ रही है। अभी हाल ही में तो आज के दिन से ही जो रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो 25 रुपए और महंगा हो गया है। पिछले हफ्ते 50 रुपए बढ़ाया गया है, पिछले 2 महीनों में 200 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिए गए हैं और आज 900 रुपए का सिलेंडर हो गया है। और हम ये कहना चाहते हैं उन भाजपा वालों से कि पिछले समय में जब जो यही गैस का सिलेंडर 500 रुपए से नीचे था तो ये सिर पे गैस सिलेंडर बोला उठा के प्रदर्शन किया करते थे, आज वो सब उसके बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। तो हमारी मांग है केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, कि कंपनियों के आगे घुटने टेकना बंद करे। ये जो महंगाई पेट्रोल और डीजल की है इसके अंदर जो टैक्स जिस तरह से लगाया जा रहा है उसको कम किया जाए, रसोई गैस की जो कीमतें हैं उसको भी कम किया जाए, और जो जनरल महंगाई खाद्य पदार्थों की, और हिमाचल सरकार ने भी हाल ही में जो राशन डिपो में मिलता था उसका रेट भी बढ़ा दिए। दाम एक तरफ दाम बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ उसकी जो मात्रा है, जो क्वांटिटी जो मिलती थी उसको कम किया जा रहा है। हमारी मांग है कि कोरोना काल में जब एक तरफ बेरोजगारी फैली हुई है, बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उस समय में राशन जो डिपो में मिल रहा है उसकी जो मात्रा है वो बढ़नी चाहिए, रेट उसके कम होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी पार्टी ने अभी तय किया है कि अभी 17 मार्च को जो हिमाचल विधानसभा के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सरकाघाट से पवन प्रेमी की रिपोर्ट। हैप्पी फैशन मॉल नीर चौक अब जबरदस्त सेल ऑफर लेकर आ रहे हैं हमीरपुर। सेल 2 फरवरी से 28 फरवरी तक। लेडीज सूट 200 रुपए में एक सूट के साथ एक सूट फ्री। रेडीमेड शर्ट 500 रुपए में एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री। जीन्स 1000 में एक पैंट एक के साथ एक फ्री। जेंट्स ब्रांड में 20 से 50% की छूट। नुमेरो लिवाइस पार्की रेमन यूएस पोलो एलेन सॉली पेपे जीन्स। तो चले आइए गांधी चौक डोगरा कॉम्प्लेक्स अपर बाजार हमीरपुर। प्लीज कॉन्टैक्ट